गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी अब तैयार हो चुके हैं वृंदावन को निकलने। एक स्कैम हो गया मेरे साथ जो कल व्लॉग बनाया था, रात को पता नहीं क्या हुआ, आईफोन अपडेट हुआ और अभी सुबह उठ कर देख रहा हूँ व्लॉग बनाए थे, रील बनाए थे कल के, सारे गायब है, फोन में कोई फोटो ही नहीं है सेव। अब देखते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं कुछ रिकवर करने का, आईक्लाउड में भी नहीं क्योंकि सेव मैंने नहीं की थी, रात को एडिट करके मैंने रखा था कि मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। तो स्कैम हो चुका है, तो फिलहाल तो अब 6 बजे हमने निकले का प्लान किया था, तो एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से निकलेंगे हम। तो सब तैयार हो चुके, तो अभी फटाफट पहले गाड़ी पे जाता हूँ, फिर ये स्कैम तो देखते हैं, अगर हो जाएगा तो शाम तक मिल जाता है वहाँ पहुँचने के बाद तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो इसी वाले को अपलोड करेंगे तो आज तो व्लॉग नहीं आ पाएगा, बट कल ये वाला व्लॉग पक्का आएगा, उसको मैं एडिट करके पहले ही सेव कर लूँगा या शेड्यूल कर दूंगा रात को एडिट करने के बाद ही। मेरे को शेड्यूल नहीं किया मैंने कल रात क्योंकि जल्दी सो गया था मैं, तो अभी फटाफट मैं गाड़ी के पास ज़्यादा ज़्यादा कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी को, सामान वामान रखते लगे जो है रखते, बहुत सामान हो चुका है, चलते हैं फिर, चलो वृंदावन को, जय श्री राधे। हाँ तो अभी हम पहुँचे तेल भराने रुद्रपुर हाईवे पे हैं, यहाँ अभी हम तेल भरवा रहे हैं गाड़ी पे, फुल भरवा रहे टैंक, चल रहा है तेल, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो फुल हो रहा है टैंक इस तरीके से, चंकर लगे हैं यहाँ, मस्त तेल भरा जा रहा है। फिर यहाँ से सीधे आप रुकेंगे आधा रुद्रपुर वो आगे, मतलब हाफ करने के बाद 150 किलोमीटर के बाद वहाँ पे दिखाएंगे आपको क्या खाते हैं क्या करते हैं। फिलहाल ये फुल हो जाए, पता नहीं कितना चल रही है, बंदी नहीं हो रही है, 40 आता है पूरा। चलो यार फटाफट भरवाते हैं, तो उड़ गए देखो ऊपर वाला पैसा उड़ते जा रहा है, टिक 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 टिक, उड़ रहा है पैसा उड़ रहा है, रोको रोको। हाँ तो अभी तो हम रास्ते पे रुके हैं यार, अभी हम फाइनली आज नॉन स्टॉप चला तो कहीं रुके नहीं, तो अभी कुछ खाने आने के लिए भी नहीं रुके क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आप लोग को दिखाया तो उस टाइम निकल गए थे, तो कहीं पर खाने आने के लिए कुछ नहीं रुके हम सीधे। अभी मैंने यहाँ पर रुका है, लोग को वॉशरूम वगैरह आ गया था अंजलि और मम्मी को, तो वो लोग वहाँ गए हैं और मोहित गाड़ी में बैठा है, गाड़ी साइड पर लगा लीजिए आप, जरा यहाँ से ज़्यादा है नहीं 100 किलोमीटर कुछ बचा है, तो मैं सोच रहा था नॉन स्टॉप ही चलते हैं, इनको भूख लगी तो यहाँ आस पास में कोई रेस्टोरेंट देखते बढ़िया था वो खाते हैं। रोड वगैरह तो यहाँ की बहुत सही है, आपको रोड रोड देखी होगी कितनी प्यारी रोड है, मतलब हाईवे में जो मज़ा आ रहा है ना जाने में अलग ही एक मज़ा है, फील आ रहा है। अब देखते हैं यार कोई रेस्टोरेंट वगैरह, गाड़ी धुलाई की थी आगे तो गंदी हो गई है ना, आगे तो गंदी होगी बट फिर है धुलाई कर रही जैसी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं, नीचे तो गंदा होना ही है, धूल टक्कर आएगी तो चलो देखते वॉशरूम करके आ रहे हैं लोग, फिर देखते हैं क्या आए नहीं आए कहाँ गए देखता हूँ उनको। और ये आगे देखो वॉशरूम से आ गए, वो आ रहे हैं वहाँ से वॉशरूम से, और ये ऐसी वीडियो वीडियो बना रहे हैं मोजू सी, ये वॉशरूम से आ रहे हैं। एक बार रोड के नज़ारे ले लो बस, ज़रा क्या नज़ारे हैं, रोड देखो बढ़िया बेहतरीन। तो चलो अब आगे को निकलते हैं हम लोग यहाँ से, ये उत्तर प्रदेश परिवहन की गाड़ी जा रही है, चलो चलें 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 चले तोड़ा नहीं तो ये है, ये देख कहाँ गया, अबे कहाँ गया वो, ये कल उसने बहुत बढ़िया करिया। हाँ यार गाइस, यहाँ कबूतर घुस गया था रास्ते में, कबूतर उड़ गया इसके अंदर घुस गया, तो उसने जाली का नुकसान कर दिया। हाँ ये देखो गाइस, गाड़ी बहुत कराने के बाद तो तुम करके आगे वॉशरूम, ओहो देखो, तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी विनती रहेगी कि ऐसे रास्ते में जो सुलभ शौचालय बना रखे आपने तो कृपया थोड़ा सा उसको, ज्यादा नहीं तो जाने लायक एटलीस्ट साफ रहे, ताकि यहाँ कुछ है अच्छा, यहाँ विद्यालय है तो स्कूल का शौचालय हो सुलभ, या फिर स्कूल का भी है तो साफ ही रखना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी तो क्या कह सकते हैं, बट रोड अच्छी है। और अब चलते ही हम आगे देखते हैं रेस्टोरेंट के पास, चलते हैं चलो सब लोग बैठ गए, चल रहे हम तब तक बैठते हैं फिर आगे दिखाते हैं आपको आगे का सीन शॉट है। हाँ तो वैसे फिर से गाड़ी रोक दी, ये खाना खाने लग गए थे और लोग उसको आगे, तो मैंने कहा गाड़ी रोक के मैं भी खा लेता हूँ, बन आलू क्या है और पता नहीं क्या क्या डाल के लस्सी बस्सी सब निकाल रहे हैं अभी, अभी मोहित को लेके आ रहा है, क्या ला रहा है मोहित, क्या ला रहा है, चश्मा देख लो अंधों वाला,
इन सबने पहले खाया, मेरे नाक में खुशबू आ गया, मैं गाय रोक दी, फिर गला लग गया, मैंने पानी नहीं लिया तो मक्खन मक्खन देखो इतना बड़ा बढ़िया है। मुंह ने डिग्गी बंद क्यों नहीं आ रही? अभी कर लेगा अभी तो वैसे वो नहीं वैसे बनते नहीं है, आलू वाली आलू वाली ये नहीं खाऊंगा मैं, मटर फटर आलू दे रहा हूं। ऐसा लग रहा है घर का बच्चा हुआ खाना जितना था ना वो यहाँ पैक करके लिया है, लोग सफर में जा रहे करके पता नहीं कौन सी सब्जी डाल दी, मेरे को तो आलू देना पानी सभी बहुत सारा फेंको रखी है, पता नहीं क्या क्या निकलता है गाड़ी से, किसी ने कुछ और तो नहीं लगा, उल्टा उल्टा गाड़ी है मम्मी हाथ डाल ले कुछ निकल रहा वहाँ से, रात की दिलबाग तानसेन। चलो अभिषेक तो नहीं खाता है, तुम्हारी तरह कांडवाल की तरह है तुम्हारी, हमारे नहीं खाता अभिषेक नहीं खाता है, तू खाता है? मैं क्यों खाऊंगा? अच्छा मैं खाऊंगा तो वहाँ रहूंगा, इसके अंदर भी रहूंगा। चलो भाई ये उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं, मैं पहले खाना खा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। आगे आप सीधे आगरा पे लेंगे अगला स्टॉप, यहाँ से आगरा पहुँच गए, ये देख लो क्या चल रहा है। मैं अपने दोस्तों को वार्निंग दे देता हूँ, सब संभल के रहना, गाड़ी में कोई सुन ले चौधरी क्या बोल रही बहन मेरी, अगर गाड़ी में कोई कुछ खा रहा पी रहा है तो उसको बाहर फेंक देना, रहना नहीं चाहिए। तो अभी मैं खाना खाता हूँ और सीधे आप लोग से आगे मिलते हैं आगरा पे, अगला स्टॉप सीधे आगरा पे रहेंगे पहुँच के। चलो तब तक आगरा पहुंच के दिखाता हूँ गाइस, ये देखो व्यू कितना प्यारा है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं, क्या बेहतरीन व्यू है यहाँ का, देखो हाथ देखो ऊपर में सेक्सी, यहाँ अपना भगवान ऊपर है हिंदू, इस तरफ को अच्छा रोड है, मजा आ गया, तो मैंने कहा एक बार आपको नजारा दिखाना चाहिए इसलिए। चलो बाकी आगे कुछ ऐसा आएगा अच्छा सा तो आपको वो भी दिखाएंगे, मजा आ गया बेहतरीन है। तो चलो फाइनली हमने आगरा पे एंट्री हो गई है अब, और अब कुछ दूर पे हमारा होटल आने वाला है, और यहाँ देखिए कितना बढ़िया, मतलब फूल वगैरह रोड वगैरह मजा आ गया एनएच में ना, बीच बीच में रास्ते ऐसे थे जो खराब थे पर ये एनएच वाला रास्ता बड़ा अच्छा था। तो फिलहाल हम होटल पहुँचने वाले हैं, सीधे यहाँ से जस्ट 2-3 किलोमीटर बचा है यहाँ से होटल हमारा, तो हम होटल दिखाएंगे यहाँ से आपको उसके बाद। तो होटल पहुँचते आपको पहुँच के होटल दिखाता हूँ कैसा हुआ है, होटल रूम वगैरह फैमिली रूम लिया है ऐसा बात हुई थी, अब देखते हैं, इतना कोई स्पेशल होटल नहीं लिया था क्योंकि हमको खाली आज ही स्टे करना है, कल मॉर्निंग में हम आगरा वगैरह ताजमहल वगैरह देख के अयोध्या को निकल देंगे। ये ट्रिप थोड़ा उल्टा है मुझे पता है वैसे रूट के हिसाब से तो अयोध्या का, पर क्योंकि होली वहाँ मनानी है वृंदावन में और दिन भी हमारे पास लिमिटेड थे तो इस वजह से ये ट्रिप बना था, तो इसी के हिसाब से अब ऐसे ही चल रहे। तो अभी फिलहाल चलो हाईवे पे हूँ, जरा क्रूजिंग करता हूँ मैं भी, आपसे मिलते हैं होटल पे पहुँच के। फाइनली अब पहुंच चुके अपने होटल के पास, ये ताजमहल वाला एरिया आ गया है, यहाँ से 2 किलोमीटर ताजमहल चौपाटी हमारा होटल जस्ट ताजमहल से 2-3 किलोमीटर जो मेन ताजमहल है हमारा उससे ईस्ट गेट के पास है, तो अभी हम होटल के पास जा रहे हैं, पहले वहीं रेस्ट करेंगे ईस्ट गेट पे, वहाँ पे होटल है, वहाँ से जस्ट ताजमहल आपका थोड़ा सा दूर है, तो फिर शाम को ही पूरा एरिया ताजमहल के लिए ही आपका, मतलब जो एरिया है ना यहाँ पे उसी तरीके से बना है, टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे, आपके रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कार वर्कशॉप मिल जाएंगी, बड़े बड़े होटल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, सारी चीज़ें हैं ये आपका देखिए न्यू ताज व्यू करके आपका और ट्रैवलिंग का है या कुछ चीज़ का है, इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ रहती हैं। ये देखिए आपका एक रिसॉर्ट है बढ़िया सा, बहुत बेहतरीन लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ये सारी चीज़ डिटेलिंग में अभी आगे बताएंगे आपको। ये ताज का देखिए, ताज का है आपका देखिए, ताज होटल जो वहाँ है ना उसके साथ इसका लिंक है, मुझे जो सीधे जाना था हमको या कहीं घूमना है चाहिए, मैं मैप खोलता हूँ, मैप बंद क्यों कर रहा है, हमारा तो ये कह रहा है कि आप डेस्टिनेशन पे 50 मीटर बाद जो कहाँ, तो अभी हम आपको बताते हैं कहाँ पे आना है हमें, डॉल्फिन होटल थोड़ा ये तो कह रहा है यहीं पे आ गया, बढ़िया भाई हो गया, ओके तो रोक देते हैं। हाँ तो गाइस अब फाइनली होटल पे पहुँच चुके हैं, मतलब वहाँ पे दिखाया था आपको व्यू वगैरह, उसके बाद सीधे होटल का हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, तो फिर यू टर्न लेके वापस आए, एक तो पास में यहाँ पे थोड़े होटल उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है उसका, और फिर अगर नॉर्मल प्राइस में आप लेते हो 2-3 पे तो 2-3 thousand पे जो रूम है उतने स्पेशल मतलब ठीक है, मतलब अगर आप लोग वन नाइट स्टैंड के लिए आए हो, एक रात के लिए स्टे के लिए है, या अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो फैमिली के साथ हो चल जाता है, ऐसा कुछ इतना VIP में को रिक्वायर्ड था नहीं हम लोग को,
हमें खाली नॉर्मल स्टे के लिए था कि अभी रात को रुकना है, हम शाम को भी घूमेंगे वगैरह, कल घूमेंगे, कल दिन टाइम पे निकल जाएंगे, क्योंकि उसके जैसे मैं कहा था अयोध्या भी जाना है, काफ़ी लंबा ट्रिप है, तो कल दिन तक निकल जाएंगे, तब शाम तक हम अयोध्या पहुँचेंगे राम जी की नगरी। और अयोध्या में वैसे अभी तक जहाँ तक मैंने सुना मंदिर बना नहीं है, बट राम जी की नगरी बाहर से मंदिर का मेरे को माता देखने का बहुत मन था राम जी की नगरी के लिए, तो ज़रूरी है। बट आप फिर भी ये रूम मैं इतना गंदा नहीं कहूँगा, गुड है, ठीक है, ओके है, थोड़ा बहुत दिखा था बेडिंग वगैरह इस तरह का की है, अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे कवर्ड भी है, सामने टेलीविजन भी, ऐसा नहीं है, एसी भी है, फैसिलिटी सब, बट थोड़ा सा होता ही है। बाकी अभी हम कुछ खाने के लिए मंगा देते हैं, और उसके बाद बहुत थक चुका हूँ मैं, यूजुअली मतलब आप वहाँ तक आओगे ना तो रास्ता बहुत अच्छा है, बीच में रास्ता बहुत ख़राब है, फिर आपका आगरा के पास आने के बाद 100 किलोमीटर के पास आना, 60-70 किलोमीटर है, तो वहाँ पे भी रहना चाह जाता है, जहाँ पे आपके नेशनल हाईवेज हैं वहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे हाईवेज नहीं है वहाँ पे दिक्कत है, तो ये सब तो ठीक है। कुछ खाना मंगाता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, मेन्यू देखता हूँ, फिर देखता हूँ क्या खाने के लिए मंगाया है, फिर शाम को जब घूमने जाएंगे तो आपको वो सब भी दिखाना ही है, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग, तो एक काम करते हैं इसको यहीं पे मैं रोकता हूँ, खाना कुछ मंगाता हूँ, खाना दिखाता हूँ आपको, फिर शाम को घूमने जाएंगे, वो सब दिखाऊंगा, हो सकता है ब्लॉग को दो पार्ट में डालूं क्योंकि लंबा हो गया, तो जैसा भी रहता आप लोग देखिएगा, अभी ऑर्डर कर लेता हूँ। यहाँ से पैदल वॉकिंग है, 1.5 किलोमीटर पहले पार्किंग आ जाती है इधर, और फिर यहाँ से पैदल वॉक रहता है, रोड क्रॉस करते भी यहाँ काफ़ी कुछ खाने पीने का है। Oh, my God.